भाई आज हम आपको लखनऊ के मॉल्स के ऊपर एक किस्सा सुनाने जा रहे हैं। आज हम बहुत ज़माने बाद किसी मॉल में आए थे कोई काम से, क्योंकि आजकल तो सभी लोग ऐसे हो गए हैं कि मॉल जब कोई काम होता है तभी आदमी आता है। मगर आज का जो हम किस्सा आपको सुनाने जा रहे हैं ये उस समय की बात है जब मॉल जो था लखनऊ में एक तरह की लग्जरी था, मतलब एक जो लोग दूर दूर से जो है मॉल देखने आया करते थे, ये वो ज़माना है। और इसके हम कुछ आपको एक बातें बताएंगे जो हमें हल्की हल्की याद हैं। हो सकता है बहुत से भाइयों को तो ये पता होगा और वो मेरी बात उन्हें याद आ जाएगी, और जिन्हें नहीं पता है जो यंगस्टर्स हैं उनको ये बात समझ में आएगी कि एक टाइम मॉल्स को भी जो है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। तो सबसे पहले जो लखनऊ का मॉल खुला है तो वो आपका वेव मॉल खुला है, और वेव मॉल थोड़ा दूर पड़ता था, छोटा था। मगर जब सहारागंज मॉल खुला, जिसकी अभी इतनी कोई ज़्यादा लोग वैल्यू नहीं करते क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत होती है भाई, तो उस टाइम पे लोगों में इतना क्रेज़ था मॉल का कि एक कहानी बहुत फेमस हुई थी कि गांव देहात में जो है आदमी ऐसा कहने लगे थे, जो मलियाबाद के आगे के जो गांव हैं, कि जल्दी लखनऊ चलो, सुना है, नहीं तो मॉल हट जाएगा सहारागंज। जैसे उन्हें गाँव में ये पता चला कि जैसे कोई मेला लगा है कि चलो लखनऊ चल के देख लेते हैं वरना हट ना जाए। तो ये उस ज़माने में इस तरह का क्रेज़ था। और जो एस्केलेटर होते थे, ये जो चलने वाले जीने हैं, जो स्टेयर्स हैं, तो यहाँ पे आदमी खड़े रहते थे जो है गाइड करने के लिए। और आप यकीन मानिए, अभी आपको यह यकीन ना हो मगर लोग इतना डरते थे इनके ऊपर पैर रखने से। और कितने लोग जो ऐसे होते थे कि जब भी अगर आप उस टाइम पर किसी अपने रिलेटिव को कॉल करें तो वो बताएगा कि अरे हमारी मासी गिर गई थी, अरे वो जो है हमारे चाचा जो थे वो किस इतना डर गए, ये हो गया वो हो गया। मतलब एक किस्से मशहूर थे कि कोई ना कोई किसी का जानने वाला एस्केलेटर से गिरा है। मतलब एस्केलेटर ऐसा होता था कि एक तरह का ये चैलेंज था उस टाइम पे। और अब उससे भी ज़्यादा एक बात है, ये लखनऊ के जो भाई हैं वो बहुत कम लोगों को याद होगी, अगर याद होगी तो उस एक टाइम पर लखनऊ में ऐसा रूल आया था कि स्कूल के ड्रेस में आप मॉल नहीं आ सकते। और उस टाइम पे हम लोग भी जो है बंक मारते थे जो स्कूल का और मॉल आया करते, तो एकदम से ऐसा हुआ जैसे दुनिया पलट गई जो है बच्चों की, क्योंकि अब स्कूल ड्रेस के अंदर मॉल आप आ ही नहीं सकते हैं। ये एक फरमान आ गया था, हमें तो याद भी नहीं है किसकी सरकार थी, किस गवर्नमेंट की, बट ये एक तरह का लखनऊ में एक वो आ गया था, मतलब आदेश आ गया था। तो लोग क्या करते थे कि कहीं अपने बैग में टी शर्ट छुपा के ला रहे हैं, किसी तरीके से मॉल आ रहे हैं। अभी तो बहुत जगह हैं घूमने की भी, बट उस टाइम पे ऐसा था कि अभी तो इतने कैफ़े हैं लखनऊ में, आप हर जगह पे हर गली में कोई ना कोई आपको कैफ़े मिल जाएगा। मगर उस टाइम पे लोग आना चाहते थे अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या यूं भी जो है, तो वो भी एक ज़माना था भाइयों। और अब तो क्या है कि मॉल वही, जैसे हमने आपको बताया ना कि पता नहीं कितने महीनों बाद आज किसी काम से मॉल आए हैं, मगर एक ज़माना वो भी था लखनऊ में भाई जब मॉल जो थे वो एक लग्जरी थी, मॉल आना जो था वो एक अपने आप में एक्सपीरियंस हुआ करता था। और वो ज़माना भी जो है एक इस छोटे से वीडियो में याद करना बनता है मेरे हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद।